नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आरके सिंह। मुख्यमंत्री के आगमन से विक्रमगंज, संझौली व सासाराम का दृश्य पलट गया, परंतु लोगों की समस्या का निदान क्या इस समाधान यात्रा से होगी पूरी? इस समाधान यात्रा में अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे लोग, तो आइए देखते हैं पूरी खबर अक्षय बच्चन के साथ। नमस्कार, देख रहा इंडिया, बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के सासाराम डिस्ट्रिक्ट में मैं उपस्थित हूं और यहां पर अभी एक गांव है नेकरा गांव, वहीं पर मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर समाधान यात्रा के लेकर के मुख्यमंत्री आने वाले हैं। तमाम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर में प्रशासन कर्मी एक बैरियर लगा करके तमाम यातायात गाड़ियों को यहां पर रोका गया है, ताकि इधर रास्ते में भीड़ न हो। और इधर से तमाम जनता आ रही है, इन लोग से कुछ सवाल मैं करूंगा, कुछ जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहीं पर वो अभी हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, परंतु अभी हेलीकॉप्टर मैंने आसमान में देखा और ये लोग हमें बताएंगे कि अचानक आप लोग इधर क्यों चल दिए। हेलो, चले गए, किसी को नहीं, चले गए, चले गए, कहाँ चले गए? चला गए अपना जहाँ उसका वास था वहाँ चला गया। अच्छा, वहाँ पर चले गए हैं। यहीं पर स्कूल में उनका कोई कार्यक्रम है जहाँ पर के वो आए हुए हैं, और वहाँ से सभी जनता इधर की तरफ जा रहे हैं। मैं कुछ जानने का प्रयास करूँगा इन लोगों से, क्या यहाँ से मुख्यमंत्री जी चले गए क्या? आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी को देखा क्या? अभी देखे नहीं। क्या मुख्यमंत्री आए कि नहीं? नहीं, आए वो चले गए, हम लोग आए और चले गए। किसी ने आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं, हम लोग नहीं देखा। नहीं देखे। सवाल करना था ना। अच्छा, सवाल करना था। बेटे नहीं, पुलिस जाने नहीं दिए तो कहाँ से देखेंगे? परंतु यहाँ पर हेलीकॉप्टर तो अभी उतरा हुआ था। हाँ, उतरा हुआ था। अच्छा, तो क्या उससे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बाहर आए? आए, आए थे, लेकिन हम लोग से भेंट नहीं की। भेंट नहीं की, यानी प्रशासन की यहाँ पर कड़ी ड्यूटी है ताकि ये लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, परंतु कुछ सवाल करना चाहते थे ये लोग। क्या साइड हो जाइए, रोड रोड को कृपया छोड़ने का प्रयास किए भैया। अब यहाँ पर रोड जाम, यातायात साधनों को इधर में रोक दिया गया है, इधर में प्रशासन की गाड़ी, तमाम जनता यहाँ पर। और अभी उसका तबीयत खराब है, लेडीज को उठा जा सकता है। क्या हो गया? देखें, हेलो हेलो, क्या हुआ है इसमें? क्या हुआ है, क्या हुआ है सर? किसी का तबीयत खराब है क्या? क्या हो चुका है, कैसे ले जाइएगा आप लोग? चलिए देखिए, यातायात जाम, ये नहीं, रास्ता जाम होने के कारण एक इमरजेंसी में महिला है जिसकी तबीयत खराब है। प्रशासन कर्मी अपने गाड़ी से उस महिला को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन को लेकर के बहुत काफी भीड़ है, लोगों को अभी मुख्यमंत्री जी से दर्शन नहीं हो पाया है। दर्शन हुआ या नहीं? नहीं हुआ है। क्यों? नहीं हुआ है, चले गए, भागे नहीं हुआ है। सब लोग भगा रहे हैं। कौन भगा रहे हैं? अफसर लोग, अफसर लोग भगा रहे हैं। उनके पास नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग को? नहीं 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 भैया। अच्छा, क्यों उनके पास जाना चाहते हैं आप लोग? दर्शन लेने के लिए, बात सुनने के लिए, क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। अच्छा, वहाँ पर माइक कुक नहीं लगाए क्या? नहीं, कुछ नहीं है। अरे नीतीश कुमार आए हैं, हम कुछ देखबे नहीं किया है, कहाँ आया, कहाँ कब गए? क्या हेलीकॉप्टर से उतरे या नहीं? हेलीकॉप्टर से उतरे थे, और उसके बाद हम लोग दिखाई नहीं दिए, गाड़ी में बैठे नहीं, हॉस्टल में गए, स्कूल में गए, हॉस्टल में गए हैं यहाँ पर। हाँ, हॉस्टल में गए हैं। चलिए, यहाँ हॉस्टल में गए हैं, बाकी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, कुछ सवाल लेकर के समाधान यात्रा में शामिल हुए हैं लोग, कि कुछ हम लोगों के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बात सही है ना? हाँ, बात सही है, लेकिन कहने का मतलब कि उनसे भेंट नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ, देखे तो नहीं ना, हेलीकॉप्टर से उतरे, गाड़ी में बैठे चले गए हॉस्टल में।
चलिए कम से कम उनके लिए एक यहाँ पर मंच बनना चाहिए था ताकि मंच से वो बोले तो सारे जनता जो है वो उनके बाणियों को सुने और क्या कौन कौन सी समस्याओं के समाधान यहाँ पर कर रहे हैं ये कम से कम जानकारी होनी चाहिए थी इन लोगों को। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गाड़ी यहाँ से प्रवेश कर रही है। तमाम यहाँ के पदाधिकारी जो भी रोहतास जिला के हैं धीरे धीरे रास्ते से निकल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग नाराए लगा रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आए। देखिए यहाँ पर समस्या जो ये जो समस्या जो है देखिए, अरे इधर देखो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, समस्याएं समस्याओं को समाधान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और यही यहाँ पर आप देख रहे हैं चैनल के माध्यम से कि समस्या लेकर के लोग आए हुए हैं यहाँ पर जी। हम लोग डीलर संघ एसोसिएशन से हम लोग की मुख मांगे हैं कि पहला मांग हम लोग का है कि हम लोग को पूरी समस्याओं को बताइए जी। जन वितरण प्रणाली विक्रेता को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। दूसरी मांग हम लोग का है कि विक्रेताओं को जो डायरेक्ट अनुगति रद्द किया जा रहा है उसको न कर कर विलम्ब निलंबन की प्रक्रिया लागू की जाए। क्या ये सब समस्याएं जो लेके आए हैं, क्या आप लोग को उम्मीद लग रही है कि समस्याओं को समाधान किया जाएगा इस तालाब में? मुख्यमंत्री को हम लोग मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री उम्मीद है कि हम लोग समस्या का हल किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी आप लोग से मिलेंगे जी? मिलेंगे भी लगातार कतारे में देखे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इस कतारे में आ रहे हैं, लगातार इन लोग से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और ये दृश्य आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से। और यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं ताकि नजर नहीं आ रहे क्योंकि बहुत काफी भीड़ है, भीड़ की वजह से मैं आप लोगों को दिखला नहीं पा रहा हूँ। धान यात्रा में तमाम लोग अपने अपने लेटर को लेकर के और उपस्थित है क्योंकि इन लोग को विश्वास है कि समाधान यात्रा में हमारी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। और यहाँ पर अभी देखिए मैं कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूंगा, कहाँ पर आए हैं आप लोग समाधान यात्रा में? सरकार ने 21,000 ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग कराया है और बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इनमें इनको अनदेखी नहीं की जा सकती है, इसलिए सरकार इनको बेसिक हेल्थ वर्कर में बहाल करे। अच्छा, अभी आप शिक्षा विभाग ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग कहाँ से हैं आप? हम लोग रोहतास जिला से हैं। आपका परिचय? डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य। चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग अपने अपने हाथों में कागज को लेकर के तैनात है, एप्लीकेशन को लेकर के तैयार है और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। लोगों का ये विश्वास है कि मेरा जो समस्या है समस्याओं को इस समाधान यात्रा में समाधान किया जाएगा। बात सही है कि नहीं है? क्या हाँ, कहाँ है आप? हम आए हैं यहाँ पे शाहबाद रेंज में BHU PMCH टाइप का हॉस्पिटल चाहिए। यहाँ के लोग इलाज के लिए UP जाते हैं BHU। हम सरकार बिहार सरकार को टैक्स दे रहे हैं। कितना यहाँ से कितना किलोमीटर दूर जाते हैं आप लोग इलाज? हम लोग यहाँ से 160-170 किलोमीटर के लपेट में दूरी पे जाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब से डिमांड है कि यहाँ पे एक मल्टीपर्पज हॉस्पिटल दिया जाए। गरीब गुरबा लोग 3,000 भाड़ा दे के जाएगा तो वहाँ पे मर जाएगा, देगा भाड़ा 3,000 रुपया गरीब आदमी के पास? चलिए अभी संविधान यात्रा में ये देखा जाएगा अपने समस्याओं को ये लोग लेकर के आए हुए संविधान करवाने के लिए। अब देखिए ये लोग अपना जो भी लेटर लेके आए हैं, जो भी एप्लीकेशन लेके आए हैं वो डायरेक्ट नीतीश कुमार यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हाथों में सौंपेंगे और देखिए उसके बाद समाधान होता है या नहीं होता है।